वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले आप लोग यहां पे अपडेट देख सकते हैं, 16 जनवरी का अपडेट है। अभी शाम के टाइम का 8:47 PM पर अपडेट आया हुआ है। अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो अपडेट को आए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और यहाँ पर अपडेट में बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी रिज़ल्ट 2018-19 डेट जो है तो लाइव अपडेट हुई है। जल्द जारी हो सकता है परिणाम, और चेक करने का तरीका भी बताया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अपडेट पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में आगे आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां आप देख सकते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिजल्ट 2018-19 के बारे में बताया गया है। बोर्ड की साइट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक लिंक सक्रिय किया गया है, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। चलिए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की डाउनलोड करने का लिंक भी सक्रिय कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में भाग ले चुके उम्मीदवार अपने क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उम्मीदवार आंसर की में कोई त्रुटि पाते हैं तो उन्हें बोर्ड द्वारा आपत्ति दर्ज करने की भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि बोर्ड की साइट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक लिंक सक्रिय किया गया है, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। जांच के बाद अगर उम्मीदवार दर्ज की गई आपत्ति गलत पाई जाती तो यह शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। और बता दें कि यह आपत्ति जो है तो केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यही उसके बाद यहां पे बताया गया है कि ग्रुप डी परीक्षा के रिजल्ट भी आएंगे जल्द। आरआरबी द्वारा हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार ग्रुप डी परीक्षा के रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आरआरबी ने एक अधिकारी ने बताया कि ग्रुप डी परीक्षा के रिजल्ट इसी सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। तो अगर आप लोगों को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।